ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। आपको याद होगा सन 57 में मेरठ से जो चिंगारी उठी थी स्वतंत्रता आंदोलन की, ये लोग उस टाइम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कैसा सबका साथ कैसा सबका विकास कैसा सबका साथ, ऐसा है ये जो राम मंदिर बन रहा है ना, ये अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ये राम मंदिर ऐसा बनेगा, ऐसा होगा यहाँ पे सबका विकास और सबका साथ। यहाँ पर लाखों दुकानें तैयार होंगी, लाखों दुकान, जिसमें हमारे छोटे वर्ग के आदमियों को वहाँ पर मंदिरों में चढ़ावा जाएगा, और ये अपर क्लास के लोगों को दुकानें अलाट करी जाएंगी। ये ऐसा इनका सबका साथ सबका विकास होगा। ये कहते थे हम मंदिर बनाएंगे, अरे भैया मंदिर बन गया, मंदिर बनने से कितनों को रोजगार मिला, कितनों को रोजगार मिलेगा वहाँ पर, मंदिर के बनने से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, मुट्ठी भर चंद लोगों को दुकानें मिल जाएंगी, दुकानें इनको मिलेंगी जिनके MP MLA जिनके मंत्री मिनिस्टर हैं, उनके साथियों को उनके नाते रिश्तेदारों को, जैसे पेट्रोल पंप के बंटवारे होते हैं इसी तरह से इन दुकानों के बंटवारे होंगे। ये आंदोलन होगा मोदी हटाओ देश बचाओ। भाइयों आज हम इस स्थिति में हैं, हम कुछ बोल सकते हैं तो ये देशद्रोही है, हम कुछ किसी के खिलाफ या किसी के सुझाव दे सकते हैं तो ये देशद्रोही है। और तो और ये जो हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, मजदूरों पर, खेत मजदूरों पर, किसानों पर, ये जो हमले हो रहे हैं ये मोदी के जाने की निशानी हो रही है। आप ये ना समझे 2014 में 2024 में ये कहते हैं ना हम 2024 में 2024 की तैयारी हो रही है। भाइयों हम ये जानते हैं ये मोदी जी ने ये अडानी अम्बानी ये दोनों घरानों को रेल विभाग पेट्रोल विभाग हवाई जहाज डिपार्टमेंट सारे जो बड़े बड़े औद्योगिक हमारे संस्थान हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संस्थान हैं, सबके निजीकरण पे आए हुए हैं। मोदी जी याद रखना ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ये वामपंथियों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी आंदोलन करके देश की इंदिरा गांधी से ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, राजे महाराजाओं के प्रीफर्स खत्म करवाए। मोदी जी आप निजीकरण कर रहे हो, जब सत्ता परिवर्तन होगा तो हम इनका राष्ट्रीयकरण करेंगे, ये हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ऐलान है, आज से ऐलान है। आप निजीकरण कर रहे हो, हम इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। मोदी जी आप जिंदगी भर नहीं रहोगे, हो सकता है 24 में ही आपकी विदाई हो जाए।